वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हर्ष रावत, आपा गार्डनर दोस्त, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 3 महीने से ज़्यादा हो गए मैंने कोई भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड नहीं करा, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे और 10th की पढ़ाई भी शुरू हो गई है तो बिल्कुल टाइम नहीं निकल पा रहा है। और आज मैं नर्सरी गया और काफ़ी टाइम से नर्सरी जा भी रहा हूँ, बट अपने अपडेट्स मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज ज़्यादा शॉपिंग हो गई और अच्छी अच्छी चीज़ें शॉपिंग में आई हैं, तो इसके मैं आपको अपडेट शेयर करता हूँ प्राइस के साथ और कहाँ से लिए वो भी बताता हूँ। बात करते हैं सुंदर से स्टैंड की, जो हट शेप में है और ये मैंने 1500 का लिया है। मुझे काफ़ी महंगा पड़ा बट कोई बात नहीं, काफ़ी दिनों बाद मैं नर्सरी गया था और कुछ शॉपिंग करके लाया हूँ अपने लिए, तो मैंने ये 1500 का स्टैंड लिया है जिसमें 7 प्लांटर्स आ सकते हैं, 7 प्लांटर आ सकते हैं, यानी कि 3 मिडल में और 4 साइड में। और अगर आपको अगर स्पेस और मतलब और प्लांटर्स लगाने हैं तो यहाँ पे एक स्लेट लगा के इसके ऊपर भी एक प्लांटर आ सकता है। तो ये स्टैंड मुझे तो पूरा करके 1500 का पड़ा है। उसके बाद कुछ मैंने शॉपिंग करी है कुछ प्लांट्स की, सिरेमिक पॉट्स की और कुछ इंडोर प्लांट्स की, मैं वो भी दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने ये लिया एक ग्रुप जो मुझे 150 का पड़ा है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल भी है और दिखने में भी बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए मैंने ये ले लिया। और इसके बाद एक मैंने ये बुड्ढा लिया था जो मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है, इसमें मैंने प्लांट लगा लिया स्पाइडर प्लांट, ये मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है नर्सरी से। और यहाँ पे मैंने डबल चांदनी ली है जो मुझे 60 रुपीज़ की पड़ी है, काफ़ी लंबा पौधा है, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, तो मैं सोच रहा हूँ इसको किसी चीज़ से इसका सहारा दे पाऊँ। और एक इस वाले प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, तो किसी को भी इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। और मैं कॉलियस भी लाया हूँ जो मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा है। एक्चुअली मैं ये वाला जो डिज़ाइन था, ये वाला जो कलर था, ये कॉलियस का मेरे पास था नहीं, और ये मुझे विथ पॉट 80 रुपीज़ का पड़ा है। और वो ये ना कि कॉलियस अगर एक बार ही आ जाए तो काट काट के और भी लग सकती हैं। पाम की तो लास्ट वीक पाम लिया था 250 रुपीज़ का, पर मेरी ही किसी गलती के कारण मेरा पौधा ख़राब हो जा रहा है। और नीचे इसके सिरामिक की पॉट की बात करें तो सिरामिक का पॉट मुझे 250 का पड़ा है विथ प्लेट, और इसके लिए मैंने थोड़े स्टोन्स भी उनसे लिए थे जो मुझे फ्री पड़े हैं, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये वाइट कलर का। मेरे पॉट्स लाए हुए हफ्ता हो गया है पर मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ बिकॉज बीच में मैं बिल्कुल फ्री नहीं था तो मैं बिल्कुल अपडेट नहीं कर पाया था आपको। शुरुआत करते हैं इस प्यारे से स्टैंड से जो मैंने पहले भी ले लिया था, पर मैंने वापस उसी सेम डिज़ाइन का लिया क्योंकि मुझे 2 चाहिए थे। ये स्टैंड मुझे 450 का पड़ा है और इसके ऊपर तुलसी का मैंने ये जो पॉट लिया है ये मैंने 150 का लिया है, उसके साथ ही मैंने बुड्ढा प्लांटर लिया है जो मुझे 50 रुपीज़ का ही पड़ा है, और उस पर मैंने तुलसी और सेंसेवेरिया लगा लिया है। यहाँ पर आया तो मैंने चांदनी लगाया है, ये थोड़ी सी ये मेरा जैस्मिन था ख़राब हो रहा है। और ये सारे से मिंस के पॉट मुझे 50 रुपीज़ ईच पड़े हैं, जिसमें मैंने गुड़हल, सदाबहार, सॉन्ग ऑफ इंडिया, कैलेंचू, बॉटनिकल एक्जोरा, ये सारी चीज़ें लगाई हैं। और बाकी ये जो स्टैंड है ये मुझे 350 का पड़ा है, सर्कल स्टैंड है, मेरे पास पहले भी है, 2 पहले थे तो मुझे एक और लेना था तो मैंने वही सेम डिज़ाइन का लिया है। और इस साइड देखिए तो ये मैंने न्यू कैक्टस लिया है जो मुझे 250 की रेंज में मिला है। मेरे पास इसका रेड कलर पहले से ये रेड और ऑरेंज कलर, तो मेरे पास येलो नहीं था तो मैंने येलो ले लिया है। और ये मैंने जेट लिया है, बहुत बड़ा है पर बीच में बिल्कुल ही झड़ गया था, लेकिन फिर से इसकी लीव्स आनी स्टार्ट हो गई है। पॉपुला का लिए थे जो 30 रुपीज़ ईच पड़े हैं, और ये ऑरेंज कलर है 2 और 1 पिंक कलर है। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे अजवाइन का पौधा मैंने रखा है और कैलेंचू रखा है, और एक ही रेड कलर लिया था इस पॉट के साथ। ये पॉट मेरे पास पहले से ही था सिरामिक का, और लेकिन पर मुझे ये एक और लेना था क्योंकि मेरा पेयर बन जाता है, तो ये मुझे 25 रुपीज़ का एक पड़ा है और पॉटुला का 30 रुपीज़ का पड़ा है। यहाँ पे पर्स लेना है, इस साइड भी एक गैलरी थोड़ी खाली थी, मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ बैठने का सिस्टम बनाऊँ, थोड़ा सा डेकोर करूँ, तो अभी टाइम लगेगा तो मैं आपको देखता हूँ कि नेक्स्ट महीने तक आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं पर वो खाली है बिकॉज ये मेरे पहले के हैं और दिल्ली पड़े हुए थे, फिलहाल मैं नोएडा वाले घर में हूँ अपने, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ला के रख दूँ, इनको फिल कर दूँ, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर करना और मुझे हेल्प करो 1K पहुँचने पर। थैंक यू गाइज़।